खरगोन जिले के सेगांव विकास खंड के छोटे से ग्राम गंधावड़ के पाटीदार समाज के देवेंद्र पाटीदार के पुलिस उप निरीक्षक एडिशनल एसपी बनने पर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने ही बेटे का पलक पावड़े बिछाकर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत व सम्मान किया गया। आयोजित समारोह में देवेंद्र पाटीदार पुलिस उप अधीक्षक धार और ग्राम गंधावड़ के ही राजेश पाटीदार जो मिलिट्री से रिटायर्ड होकर अभी पुलिस में कार्यरत और वर्तमान में मिलिट्री में कार्यरत कड़वा पाटीदार का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर ग्राम गंधावड़ के डॉक्टर ओम प्रकाश पाटीदार, महेश चौधरी, दयाराम पाटीदार, मुरार पाटीदार, भाजियोमो सहित ग्रामवासियों ने पुष्पहारों से स्वागत सम्मान कर पत्र सौंपा गया। मेरी नियुक्ति पुलिस विभाग में सन 1996 में हुई थी। पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जिसमें विभाग के प्रति ज्यादा जवाबदारी होती है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। जो विभाग के प्रति मेरी ज्यादा जवाबदारियां थी, उस जवाबदारी में लग के निश्चित रूप से एक कृषक परिवार का और एक सामान्य परिवार के लोगों को प्रशासनिक सेवा में कितनी समस्याएं आती है और कितना सोचना पड़ता है, वो चीज सोचिए। कई ऐसे वर्ग हैं जो निश्चित रूप से उनको अनुवंशनागत तरीके से ही नौकरी के सारे गुर मिलते हैं। परिवार में दादा, पापा, भाई, बहन, भतीजे, एक सीरीज रहती है जिसके अंदर के प्रशासनिक सेवाओं में जाना, क्लास वन क्लास टू के पदों पर रहना, छोटी छोटी जगह के ऊपर उनका सहयोग करना, ये एक आम बात। किंतु जहाँ तक मैं अपने पाटीदार समाज की बात करूं, अगर दूर दूर तक देखते तो बहुत ही क्षणिक, बहुत ही छोटे छोटे इक्का दुक्का वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोग हैं। जहां तक पुलिस के अंदर करूं तो इस पद पे वो पुलिस अधीक्षक पद पे चयनित होने वाला समाज का पहला व्यक्ति होगा। 1996 में मेरी नौकरी लगी थी। मैं आपको बता दूं, 96 में मेरी उम्र होती थी 24 वर्ष, और 20 साल और 21 साल में ग्रेजुएशन करके उस वक्त, जबकि आज की तारीख में मोबाइल और यूट्यूब से लगा के लर्निंग बहुत आसान हो गई है। आप एक वर्ड लिखो और लर्निंग के 50वें तरीके से, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो या रिटर्न डॉक्यूमेंट हो, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लर्निंग आजकल आसान है, किंतु उस वक्त लर्निंग के लिए ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती। टेलीफोन भी बहुत इक्का दुक्का लोग लगाते थे। उस वक्त दिमाग में आना कि कुछ अलग चीज़ें कर दूँ, ये मेरे को याद है। वर्ष 1992 में जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन की थी तो मैं भी उस वक्त बड़ा विचलित हुआ करता था कि क्या करना है। बड़े काका को याद होगा कि हम लोग यहाँ से इलाहाबाद गए, और इलाहाबाद में जाके अब जब लोग पहुँचे तो वहाँ पर देख के, मेरी तो उम्र ही बहुत छोटी थी, मतलब मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ। हो सकता है कि हम गलत आए, वापिस आए। 92 से 93 एक वर्ष तक बहुत ही परेशान रहा, कई परीक्षाओं की तैयारी करने की कोशिश की, किंतु मेरे दिमाग में कोई भी चीज़ सूट नहीं करती थी, क्योंकि वो जो मेरी आवश्यकताएं थी उस आवश्यकता को पूरी नहीं कर रही, क्योंकि मैं प्रशासनिक सेवा और एक ऐसी चीज चाह रहा हूँ जिस पे कुछ कर पाऊँ, और उस वक्त वो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।